अस्सलाम वालेकुम नाजरीन माय नेम इज़ डॉक्टर संदेश आई एम अ फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इथाइलिन व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इथाइलिन हाउ इथाइलिन हेल्प इन द फ्रूट राइपनिंग व्हाट इज़ द मेकनिजम ऑफ एक्शन हाउ फ्रूट रॉपन इन द प्रेजेंस ऑफ द इथाईलिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं कि आज बाज़ार से हम इथाइलिन के पैकेट हमें मिल रहे हैं इस तरह से इसकी पैकिंग होती है और इसको हम मैंगो राइपनिंग में यूज़ कैसे कर करते हैं इसका घरों में इस्तेमाल कैसे है यहाँ पे लेते हैं हम थोड़ा सा पानी और इस पैकेट को पानी में डिप कर देते हैं आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इस पानी में मैंने इसको डिप किया है और इसको थ्री टू फोर मिनट्स के लिए मैं इसमें डिप करूँगी उसके बाद देखते हैं कि इस इस पैकेट में क्या डिफरेंस आता है और इसके स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होती है और इथाइलिन हेल्प कैसे करती है थ्री टू फोर मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखें ये कुछ इस शेप में आ गई है और इस तरह से हम इसको फूड टाइपनिंग में यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे मैं इसको रख रही हूँ मैंगोस में और हम इसको यहाँ पे और मैंगोस यहाँ पे इसमें रख देंगे और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे आप इसको न्यूज़पेपर से या किसी भी पेपर से कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने रफ़ पेपर यहाँ पे यूज़ किए हैं और यहाँ पर इसको अच्छे से कवर कर दिया है और इसको थ्री टू फोर डेज़ के लिए हम कवर कर देंगे और इथाइलिन से ये मैंगोज़ पक जाएंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द वॉट इज़ इथाइलिन ethylene is a natural plant hormone it's also called fruit ripening hormone only 0.1 to 1.0 milliliter ethylene required for fruit ripening two major groups of the fruits non-climatic fruits and the climatic fruits then we will study about the what are the non-climatic fruits non-climatic fruits which does not depend upon the ethylene such as the strawberry cherry and pineapple and climatic fruits are those Whose maturation depends upon the ethylene it does not promote natural ripening but ethylene help in the fruit ripening such as tomatoes mangoes banana etc other role of the ethylene such as the flower induction stimulate flower opening and the best ever role is the fruit ripening there is a short information about the ripening of the fruit and how ethylene help in the fruit ripening like and subscribe my channel thank you allah hafiz